पाकिस्तानी सुपरस्टार माहिरा खान एक बार फिर से बनी ट्रोल्स का शिकार और इस बार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है उनके रईस फिल्म के को-स्टार शाहरुख खान को प्रेस करने के लिए। एक इवेंट पे माहिरा ने SRK की जमकर तारीफ की और बताया कैसे उनके साथ काम करना वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर। माहिरा ने यह भी बताया कि उन्होंने शाहरुख खान से बहुत कुछ सीखा है। उनकी स्टेटमेंट के बाद नेटिजन्स ने माहिरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि माहिरा पैसों के लिए इंडियन एक्टर्स की चापलूसी करती है। एक पाकिस्तानी लीडर ने तो ये भी कह दिया कि माहिरा खान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। करण जौहर पे फिर से निशाना साधा ट्रोल्स ने। जी हाँ, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करण जौहर ट्यूसडे को मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने डॉक्यूमेंट्स बिना दिखाए एंटर करते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ऑफिशियल्स ने हमारे केजो को वापस बुलाया और पेपर्स दिखाने के लिए बोला। बस ये वीडियो बाहर आते ही नेटिजन स्टार्टेड ट्रोलिंग द फिल्म मेकर। एक यूजर ने लिखा, एटीट्यूड देखो इसका। वेयर एज एक यूजर ने कमेंट किया, ही वाज सो बिजी डूइंग हिज एयरपोर्ट कैट वॉक दैट ही फॉरगॉट टू शो हिज पेपर्स टू द सिक्योरिटी गाय। अक्षय कुमार ने ट्यूसडे को अनाउंस की अपनी अपकमिंग येट अनटाइटल्ड फिल्म की रिलीज डेट। ये फिल्म जो साउथ सुपरस्टार सूर्या की सूररई पोटरू का हिंदी रीमेक है, अब रिलीज होगी 1 सितंबर 2023 को। इस फिल्म में अक्षय के साथ राधिका मदान और परेश रावल भी नजर आएंगे। इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल प्रोडक्शन नंबर 27 रखा गया है। थोड़े टाइम पहले ही अक्षय ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और इसका अपडेट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिया था। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण एंड जॉन अब्राहम की पठान अब OTT पे रिलीज हो चुकी है। 22 मार्च को ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। पठान 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज की गई थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और अब फैंस बेसब्री से वेट कर रहे थे इसके OTT रिलीज का। मेकर्स ने ये भी बताया था कि OTT प्लेटफॉर्म पर पठान में कुछ एक्सटेंडेड कट्स भी देखने को मिलेंगे। रमदान का टाइम है और इस पर एक्ट्रेस हीना खान पहुंची मक्का फॉर हर स्पिरिचुअल जर्नी और पूरा किया अपना दूसरा उम्रा। हीना ने अपने फैंस को दिखाई इसकी कुछ झलक और अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पिक्चर शेयर करी और लिखा, दूसरा उम्रा मुकम्मल। कंगना रनौत ने फिर से निशाना साधा दिलजीत दोसांझ पर। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ओए पल्स आ गई पल्स को शेयर किया और टैग किया दिलजीत दोसांझ को और साथ में लिखा, जी पुल्स आ गई पुल्स। पोस्ट में नीचे खालिस्तान लिखा है और उस पर क्रॉस का साइन बना हुआ है। इस पर नेटिजन्स ने स्पेकुलेट किया कि कंगना इनडायरेक्टली वॉर्न कर रही है दिलजीत दोसांझ को कि वो उन्हें अरेस्ट करवा देंगी खालिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए अलेजिडली। फॉर द अनवर्स्ट 2020 में कंगना और दिलजीत में वॉर ऑफ वर्ड्स चला था रिगार्डिंग द कंटेंशियस फार्म बिल। रणवीर सिंह ने पीछे छोड़ा विराट कोहली को ब्रांड वैल्यूएशन के मामले में। एक सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन की लिस्ट आई है जिसमें टॉप 25 सेलिब्रिटीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का जिक्र हुआ है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स। इस लिस्ट में रणवीर सिंह को इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बताया गया है विद अ ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ $181.7 million। रणवीर के बाद दूसरे नंबर पर है विराट कोहली विद अ ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ $176.9 million।